स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल। देखें आज इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे कुछ ट्रिक के ज़रिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं, उनका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। रेजोनेंस का एक्चुअल टॉपिक तो आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सीखते हैं, जहां आप कई सारे बॉन्ड तोड़ते हैं बनाते हैं, तो वो एक काफ़ी मुश्किल टास्क होता है किस तरह से अलग अलग बॉन्ड को शो किया जाए बनाया जाए। यहाँ आज हम कुछ ट्रिक के ज़रिए सीखेंगे कि किस तरह से आप फटाफट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बना सकते हो विदाउट एनी एरर, और साथ में बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना भी आपको सीखना है, समझ लेना। अब रेजोनेंस का मीनिंग होता है जब एक मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है तो उसे रेजोनेंस कहा जाता है। अब लेट आपको कार्बोनेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं। अगर एक्चुअल मेथड फॉलो करेंगे ना तो उसमें बॉन्ड स्प्लिटिंग्स को शो किया जाता है, जहां पर कई बार गलती भी हो जाती है। आपको कार्बोनेट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। लेट ये है आपके पास कार्बोनेट का स्ट्रक्चर, ये कार्बोनेट का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर इस तरह से गिवन है, जहाँ दो ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। अब अगर रेजोनेंस बनाना है तो ट्रिक देखो क्या है। ट्रिक ये है कि आप इस मॉलिक्यूल को घुमा दो, रोटेट कर दो, यानी ये ऑक्सीजन इधर, ये ऑक्सीजन इधर, ये ऑक्सीजन इधर, इस ऑक्सीजन को यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, तब तक रोटेट करवाओ जब तक ओरिजिनल स्ट्रक्चर वापस ना आ रहा हो। अगर आप इस बताए गए पाथ से रोटेट करते हैं तो ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, आपने ये डबल बॉन्ड यहां बना दिया, ये सिंगल बॉन्ड यहां आ जाएगा, आपने ये सिंगल बॉन्ड यहां लगा दिया, ये सिंगल बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये आपने सिंगल बॉन्ड लगा दिया, ये स्ट्रक्चर। इसके रोटेशन के एरो हटा दो वरना सर कहेंगे कि भाई ये आपने क्या कर दिया, ये तो इलीगल मेथड है, नंबर दो का मेथड है, पिक्स ट्रिक्स अपना मेथड। ये इधर, ये इधर, ये इधर, अब ये डबल बॉन्ड यहां आएगा, ये उधर जाएगा, तो आप इसको इसी तरह से शो कर देंगे, ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, डबल बॉन्ड इधर, सिंगल बॉन्ड इधर, सिंगल बॉन्ड इधर, और आपके ये स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएंगे ऐसे। और इस एरो मार्क को हटा दो, ये बन गए। अब अगर दोबारा रोटेट करोगे तो वो डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे आ जाएगा, यानी अगर फिर से आपने रोटेट किया तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो यहीं पर छोड़ दो, तब तक रोटेट करना है जब तक ओरिजिनल स्ट्रक्चर ना आ जाए। तो ये स्ट्रक्चर नंबर वन, स्ट्रक्चर नंबर टू एंड स्ट्रक्चर नंबर थ्री, ये तीन स्ट्रक्चर यहां पर बनके तैयार हो गए, स्ट्रक्चर नंबर वन, स्ट्रक्चर नंबर टू एंड स्ट्रक्चर नंबर थ्री। अब आपको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम इन ऑल द स्ट्रक्चर, इन ऑल द स्ट्रक्चर डिवाइडेड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी आपने क्या करना है, देखो आप, ये मैंने फार्मूला दे दिया बॉन्ड ऑर्डर। एक तो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकालते हैं, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से डायएटॉमिक का निकलता है, ये पॉलीएटॉमिक है। अब देखो क्या करो, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन को ले लो, या तो वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल, या ये राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, किसी पोजीशन को ले लो। सपोज आपने इस पोजीशन को कंसिडर किया, ये वर्टिकल पोजीशन को ले लिया, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम, इन दो एटम के बीच में सभी स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड हैं, यहां दो बॉन्ड टू, यहां वन बॉन्ड और वहां वन बॉन्ड, टू प्लस वन प्लस वन,
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तीन स्ट्रक्चर हैं तो ये बना 4/3 या 1.33, ये इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया। इस तरह से आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब सपोज आपसे कहते हैं NO3 नेगेटिव, यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। अब NO3 नेगेटिव के दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, या तो आप NO3 का ये स्ट्रक्चर ले सकते हो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO3 नेगेटिव, या आप ये स्ट्रक्चर ले सकते हो, दिस इज ऑल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ NO3 नेगेटिव, ये भी NO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर कहलाया जाता है। तो आपकी मर्जी, आप चाहे ये लें चाहे ये लें, प्रोसीजर वही है। अगर आप ऑर्गेनिक वाला रेजोनेंस करेंगे ना तो आप इनमें नहीं बना सकते, क्योंकि वहां पर कॉन्जुगेशन देखना होता है, अलग तरह से बनाना होता है। ये ट्रिक है, और इस ट्रिक के जरिए सपोज मैं ये स्ट्रक्चर ले लेता हूं और इस स्ट्रक्चर के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो आपको सिखाया बॉन्ड रोटेट करना है, ये इधर ये इधर ये इधर, और आपका स्ट्रक्चर देख लो क्या बन जाएगा। डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये हमने लगा दिया। सिंगल बॉन्ड यहां चला जाएगा, ये आ गया। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, ये बन गया। फिर दोबारा से रोटेट करो, और जब आपने फिर रोटेट किया तो आपका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड चला जाएगा, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा, और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर उसमें फिर पोजीशन बदलोगे तो सेम स्ट्रक्चर आ जाएगा, और सेम स्ट्रक्चर तो करना ही नहीं। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, कोई सी एक पोजीशन कंसीडर कर लो। लेट मैंने इस पोजीशन को कंसीडर कर लिया, तो आप समझ सकते हो कितने बॉन्ड हो गए, 2+1+1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1.33, ये इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, बता सकते हो। ऐसे ही आपको ओजोन के स्ट्रक्चर कह दिए। अब ओजोन होता है दिस ऑक्सीजन, ये है ओजोन का स्ट्रक्चर। अब आपने ओजोन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, पोजीशन बदल दो, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर और डबल बॉन्ड इधर, पोजीशन बदल दो, बन गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और फिर आपने बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर के लिए कोई सी एक पोजीशन ले लो, आइदर दिस वन, यानी या तो ये राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट। हम राइट पोजीशन को ले लेते हैं, तो कितने बॉन्ड हो गए, एक बॉन्ड यहां, दो बॉन्ड वहां, 1+2 डिवाइड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया। और एक लास्ट एग्जांपल और सीख लो, बेंजीन के ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, आप सभी जानते हैं ये बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, कोई सी एक पोजीशन ले लो, लेट दिस पोजीशन, मैंने इस पोजीशन को ले लिया, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, यहां दो बॉन्ड वहां एक बॉन्ड, 2+1 डिवाइड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर 1.5। इस तरह से आप रेजोनेंस को ट्रिक्स के जरिए सॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं। बस आपको बॉन्ड रोटेट करते हुए जाना है, आप किसी भी चीज का स्ट्रक्चर आसानी से फॉर्म कर सकते हैं। ट्राई कर लेना। ये है SO3-2, जिसका स्ट्रक्चर ये गिवन है। अब यहां ट्राई कर लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपसे बॉन्ड ऑर्डर निकला या नहीं निकला।
और एक है SO3, ये सल्फाइट आयन, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड। और सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आप ये ले सकते हैं, तो बस इनके स्ट्रक्चर बना के देखना, बॉन्ड ऑर्डर 1.33 आना चाहिए। तो इन ट्रिक्स के जरिए आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। देखते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, और कुछ ऐसे ही ट्रिक को जानने की कोशिश फिर से करेंगे। ऑल द बेस्ट।